सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सेवान में पेश कर दिया गया। बिल पेश करने के दौरान एहतजाज और शोर शराबा, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा मुसलसल जारी था। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 तक कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल अब मंजूर कर लिया गया है और उस बिल की कॉपियां भी आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई जा रही हैं। आर्मी एक्ट का ये मामला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया था। कौमी असम्बली का इजलास जारी था। अब कौमी असम्बली का इजलास कल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, सुबह 11 बजे तक। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1952 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है और इसी हवाले से मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। जी अली शेर, मुसलसल हमने देखा कि कौमी असम्बली में इजलास जारी था और अपोजिशन का एहतजाज भी जारी था। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास अभी अभी खत्म हुआ है और इसमें आज इंतहाई अहम कानून साजी थी और हुकूमत ने जो है एक तरह से कहा है कि अपनी अददी अक्सरियत की बुनियाद पर बहुत ही अहम बिल मंजूर किए हैं जिनमें तीन जो फोर्सेज हैं यानी मुसल्ला फौज के जो सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है उसकी जो पहले 3 साल होती थी अब उसको बढ़ाकर 5 साल करने के 3 अलग अलग बिल की मंजूरी दे दी है। जिनमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसमें मंजूरी उसकी मंजूरी दी गई है, इसी तरह से पाक बहरिया के एक्ट की मंजूरी दी गई है, एयरफोर्स के एक्ट की मंजूरी दी गई है और उसके साथ ही साथ अदलिया के हवाले से भी 3 जो बिल्स हैं उनकी मंजूरी दी गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होंगे यानी 33 दूसरे जजेस होंगे और 34वां जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की तादाद जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट एक्ट में तरमीम करते हुए 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। इसी तरह से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें भी तरमीम जो है वो कर दी गई है। तो इस तरह से 3 जो बिल्स हैं वो अदलिया के हवाले से कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिए हैं जबकि 3 जो है वो फोर्सेज के हवाले से जो उनके सरबराहान हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के हवाले से मंजूर कर लिए हैं। ये 6 बिल जो है वो कुछ ही वक्त के अंदर अंदर जो है वो मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन ने शदीद हंगामा आरई की, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, बिल की कापियां फाड़ दी, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। एक मौका ऐसा भी आया कि जब वजीर इत्तला असदुल्लाह तारड़ और शाहिद कटक पीटीआई के जो है उनके दरमियान हाथापाई होते होते रही करीब में बिल्कुल जा चुके थे, फिर सार्जेंट आट आर्म्स और जो वर्दी वाले जो सिक्योरिटी होती है उन्होंने दरमियान में एक तरह से हिसार और दीवार बना के उनको अलग अलग करने की कोशिश की। तो इस तरह से अपोजिशन की तरफ से और मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से आपस में जो है वो एक तरह धक्कम पेल की थी, नौबत आ गई। कौमी असम्बली अगर कहा जाए कि आज का हुकूमत ने पूरी तैयारी की हुई थी, अपने अरकान पार्लियामेंट जो बाहर गए हुए थे बैरून मुल्क के दौरों पर उनको भी वापस बुलाया था और इस तरह से 6 जो बिल्स हैं उनकी मंजूरी दे दी गई है। अब ये प्रोसेस ये 6 के 6 बिल जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश किए जाएंगे और वहां से भी इनको मंजूर किया जाएगा और इस बात का इम्कान है कि आज ही जो है ये जो कायम मकाम सदर हैं इस वक्त सैयद यूसुफ रजा गिलानी उनको पेश किए जाएंगे और वो इनके दस्तखत करके आज जो है ये 6 के 6 बिल जो है वो मंजूर करके उनको एक्ट का हिस्सा बना दिया जाएगा और उनको कौमी असम्बली और सेनेट की वेबसाइट पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ फिर उसका अगला प्रोसेस जो है वो गजट ऑफ पाकिस्तान में उसको शाये होने के लिए भेज दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शदीद हंगामा आरई के बाद 6 बिल्स की मंजूरी के बाद जो है वो कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा अली शेर, ये बताएगा कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आपने कहा है कि अब तमाम तरह बिल हैं जो पेश किए जाएंगे, तो सेनेट का इजलास अब कब होगा? जी सेनेट का इजलास जो है वो अब से जो ही ये बिल्स की मंजूरी होना है और उसके फौरी बाद जो है वो इजलास शुरू होगा क्योंकि सेनेट का इजलास कल तय किया गया था। पहले उसका टाइम 5 बजे का था, फिर उसको 6 बजे कर दिया गया था और कौमी असम्बली का जो टाइम था वो 5 बजे का था, उसको 4 बजे कर दिया गया। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास जो था वो 2 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ था, यानी 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास शुरू होना था लेकिन जो इजलास है वो 2 घंटे 40 मिनट यानी 6 बजकर जो है वो 40 मिनट पे तकरीबन शुरू हुआ और उसके बाद इस जो कार्रवाई थी उसमें आज पहले आमतौर पर यह होता है कि बिल जो है वो पेश किए जाते हैं तो उसके पेश करने की वजह बयान की जाती है कि पहले इस बिल में ये था और इसमें किस चीज के इजाफे की जरूरत है और उसकी वजह यह है कि इसका ये फायदा होगा। आज इस तरह की नौबत ही नहीं आई क्योंकि अपोजिशन ने
इब्तदा से ही शोर शुरू कर दिया था, एहतजाज शुरू कर दिया था और वजीर कानून आजम मजीद तारड़ जो है वो बार बार कहते रहे कि बैरिस्टर गौहर जो है उनको बात करने दी जाए, पहले मेरी बात सुन लें और उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है उनकी बात सुन ली जाए, मैं सुनने को तैयार हूंगा, लेकिन अगर बैरिस्टर गौहर और उनके अरकान मेरी बात नहीं सुनेंगे कि ये बिल जो है वो मैं कौमी असेंबली में क्यों पेश कर रहा हूँ, उसकी वजूहत क्या है, उसके फायदा क्या है, उसके अगराज़ो मकासद क्या है, तो फिर बैरिस्टर गौहर भी बात नहीं कर सकेंगे। तो बैरिस्टर गौहर को, मलिक आमिर डोगर को और उमर यूब खान अपोजिशन लीडर को, इन सब को स्पीकर ने कहा कि आप खामोश हो जाएं, वज़ीर कानून जो है उनको बिल पेश करने दें, जब वो बिल पेश कर लेते हैं उसके अगराज़ो मकासद बयान कर देते हैं कि बिल में क्या ऐसी तरमीम लाई जा रही है जो लाया जाना जरूरी है, उसके बाद आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन की तरफ से इस बात को नजरअंदाज किया गया और मुसलसल शोर किया गया, मुसलसल एहतजाज किया गया, बिल की कापियां फाड़ते हुए वो स्पीकर डाइस का उन्होंने शो कर लिया और उसके बाद वजीर कानून आजम नजीर सारण ने जो अदलिया से तीनों बिल से वो पेश किए और उनको जो है बगैर के तफसील के ये बिल क्यों पेश किया जाना जरूरी है, उन्होंने एक आध मरतबा ये बात जरूर कही कि जजों की तादाद कम है और खासतौर पर आईनी बेंचेस बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मजीद जो है वो केसेस, चूंकि आईनी जजेस जो है वो आईनी बेंचेस में चले जाएंगे, लिहाजा बाकी केसेस के लिए जो जजेस हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, ये इतना उन्होंने वजाहत जरूर की सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने के बिल में। अदरवाइज किसी चीज के ऊपर जाए वो उनकी वजाहत का मौका ही नहीं आया, वो बात करना चाहते थे, वो एक एक चीज से बताना चाहते थे, लेकिन जो है वो इस तरह से उसको उसकी वजाहत नहीं किए, ये बिल जो मंजूर कर लिया गया। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसील आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।